सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम ठाकुर और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों से। तो गाइस टाइम हो चुका है, लगभग 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ द्राट और रस्सियाँ लेकर के, और हम जो है भैंसों के लिए घास लेकर आएंगे क्योंकि जो उस दिन हमने घास जो पेड़ों से लिया था ना वो ख़त्म हो गया। अब तो अभी हम जा रहे हैं निचली की तरफ, वहाँ है ब्यूड़ के, ब्यूड़ मतलब हमारे भाषा में बोलते हैं ब्यूड़। तो अभी हमारे 4-5 पेड़ जो है बचे हुए हैं तो उनको रेड़ने के लिए जो है भैया आए हैं। तो 5 बजे तो फिर भैंसों का टाइम हो जाता है दूध निकालने का, तो अभी जो है जाते हैं तो टाइम तो लग जाएगा उधर, तो जा रहे हैं। तो आज हमने चाय वगैरह जल्दी पी ली थी क्योंकि हसबैंड हमीरपुर गए थे, तो पता ही आपको फैक्ट्री लगे हुए हैं तो स्टेशनरी लानी थी उन्होंने, तो हमीरपुर गए हुए थे। तो फिर आके उन्होंने बोला कि जल्दी से चाय बना दो, मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ, सुबह भी नहीं गए थे तो ऑफ़िस चले गए हैं। और देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी ज़मीन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सभी आवारा पशुओं की वजह से बंजर बंजर तो नहीं, मतलब नहीं बीजते हैं क्योंकि कुछ पशु नहीं होने देते हैं और कुछ इंसान भी निठल्ले बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग क्या, कोई और कोई भी किसी की भी बात ले लो, जिस तरह से पहले हम लोग काम करते थे ना उस तरह से भी काम नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, क्योंकि खान पान भी वैसे हो गए हैं और हम लोग जो है आराम प्रस्त बन गए हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी अच्छी ज़मीन है यहाँ पर। और जब मेरी शादी हुई थी तो सभी ज़मीन यहाँ पर जो है बीजते थे, तो 5 से 6 खेत तो हमारे भी हैं इधर, मैं बताती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो गाइज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। ये देखिए गाइज कितनी सारी ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पर, ऊपर तक है ये देखिए, वो देखिए ऊपर सड़क है और इस तरफ भी बहुत बड़ा टुकड़ा है, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से सारा ही ख़राब हो चुका है। ये इसको नहीं बीज रहे हैं क्योंकि नहीं होता है कुछ भी, खा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी तार जो है खोल रही है और जाड़ा यहाँ पर लगेगा, तो देखिए इस तरह से है। तारे खान देंगे नहीं आ दिया कने, तू तो कभी भी नहीं पाया, हाँ अस नहीं खा पाते तूता, गर्म होंगे बड़े भारी। हाँ कुछ है ना ब्यूड़, हूं तो रूड़ी भी गया, हूं क्या रही है तिथु भी नहीं दी तुझे, मैं चली तिथु भी त्रंगड़ी भुज तू कने घा तो थोड़ा उपर ही है ना, चल लकड़ू सही। तो देखिए आप लोग, हम जो है निकाल रहे हैं पेड़ों से घास, तो ज़्यादातर जो पत्ते झड़ चुके थे लेकिन कुछ ही पत्ते इसमें बाकी थे, तो हमने सोचा क्यों क्यों ना इनको हम ले जाएं। तो देखिए आसपास का व्यू कैसा है, मतलब खेत तो हैं लेकिन इनको बीजते नहीं हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जहर पैदा हुआ है और देखिए कांटे और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आपके साथ व्यू शेयर कर रहे हैं, हमारे गांव से बाहर का ये एरिया है और थोड़ा सा दूर है हमारे गांव से। तो देखिए पेड़ पर चढ़े हुए हैं, ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है और आजकल पेड़ों पर चढ़ने वाले भी नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो देखिए आप लोग, और यदि पेड़ पर चढ़ना आता हो तभी पशु पालने का फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ 2 बच्चे बकरी के भी आ गए थे तो मैं इनका वीडियो शूट कर रही थी, और यहाँ पर भैया एक चरा रहे थे बकरियाँ, तो ये यहाँ पर आ रहे थे बार बार, तो हम लोग इन्हें हटा रहे थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, तो मैंने कहा इनका वीडियो बना दिया। देखिए आपको कैसे लग रहे थे आप भी बताना कॉमेंट में। तो गाइस हम लोग घास लेकर आ गए थे, 3 रेट्टे जो हैं हमने किए हैं, एक हस्बैंड लेके और दूसरा भैया, और
तीसरा मैं छोटा जैसा लेकर आई हूँ। तो देखिए इस तरह से काम करते हैं, अभी चलेंगे उनको बाहर बांधते हैं और देखते हैं गोबर वगैरह उठाएंगे और दूध निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही बैठी हैं, कजन सिस्टर है, एक मेरी बेटी है और एक हमारे जो है जेठ जी है उनकी बेटी है। तो ये दोनों ही यहाँ पर थोड़ा सा रुमाल बना रही थी। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर